डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ी चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह की ओर से बहस पूरी हो गई है। मामले में अब राजडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों की ओर से अगली निर्धारित तारीख पर भी बहस प्रारंभ होगी। मामले में 17 अगस्त से फूलचंद सिंह की ओर से बहस प्रारंभ हुई थी, निर्धारित 8 तारीखों में उनकी बहस पूरी हुई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 सितंबर मुकर्रर की है, यानी कि आज। मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉक्टर आर के राणा, जगदीश शर्मा, डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयान के आधार पर बहस पूरी की है। वहीं मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी, जिसके बाद सीबीआई के विशेष अदालत में अपना फैसला सुनाया जाएगा। चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है। बता दें कि मामले में बचाव पक्ष में लालू समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बताया था। लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है। रिप्रेजेंट करता हूं एक्यूज लोगों का। प्रोसिक्यूशन अपना आर्गूमेंट खत्म कर चुका है मिस्टर बीएमपी सिंह, और अब हम लोग डिफेंस की तरफ से आर्गूमेंट चल रहा है, और राजकुमार सहाय अपना कंक्लूड किए हैं फूलचंद सिंह का और उनके और भी जो क्लाइंट्स थे उनका कल कंक्लूड कर दिए हैं, और आगामी कल से आई थिंक मिस्टर लालू प्रसाद का बहस होगा। उसके बाद जैसे जैसे समय कटेगा, जैसे जैसे लोग बहस करेंगे उसके अनुसार चलते रहें।